निर्दयी नौकरे कहानी। एक दिन पतरसे यीशु के पूछो, ओ प्रभु, जे भी मेरे खिलाफ पाप करा ते मुले अपने भाई ले केती बेरे माफ करना चाहिए। खै साता बेरे तई, यीशु बोलो, साता बेरे तई ना आती और साता के 70 बेरे से के। इत के यीशु मतलब आ कि हमले सदा ही माफ करना चाहिए। देखो यीशु जो कथा बोले, यीशु बोलो, परमेश्वर राज कुछ ऐणो आ, एक राजो अपने नौकर के हिसाब किताब लेना चाहतो। ते वो एक नौकर पैसे 10,000 थोली एक बड़े कर्जियो कर्जदार तो, पर सो नौकर अपने कर्ज ले भुगते ना सोको। तई राजे बोलो, एवे कर्ज भुगतन ले एवं मर्द ले ओजो एवे टोबर ले गुलामे साई बिचो। ते नौकरे राजे आगे जानू में ते बैठे बोलो, कृपा करो मुई सीती सोबर थो ओजो मु अपने कर्जे पूरी रकम भुगतान करूं। राजे नौकरा में ते दया किए, तई ते वे सारे कर्जे ले माफ कियो ओजो सो भागने देनो। पर जे भी सो नौकर राजे आगे के बैरे भागो, ते को ते उले एक साथी नौकर मिलो जुण ते वे दोगजे पैसे कर्जदार तो। ते नौकरे अपने साथी नौकरा ले पकड़ो ओजो बोलो, जुण तो ही में थे मेरो कर्जा मेरे सो सही। ते साथी नौकरे जानू में थे बैठे बोलो, मुई सीती सब्र थो ओजो मु अपने कर्जे पूरी रकम भुगतान करूं। पर एथी जागा दी ते नौकरे अपने साथी नौकरा ले कैद खाना दी डालो, जे भी सिके कि सोते वे कर्जो भुगतान ना करा। कुछ दूजे नौकरे जो भी हुआ दो तो तेवले शायो खासे हैरान हुए, से राजे बिले भागे ओजो तेवले सब कुछ बोलो। राजे ते नौकरा ले बेदियो बोलो, ओ दुष्ट नौकरा, मेरे तेरे कर्जा ले तई माफ कियो, किले की तेरे मुई के विनती किए तोइले भी एणो ही करना चाहिए तो। देखो राजो इतरो गुस्सो हुओ कि ते वे सो दुष्ट नौकर कैद खाने दी डालो, जे भी सिके सो अपने सारे कर्जा ले ना भुगता। देखो यीशु बोलो, मेरे स्वर्गीय बापू, जे तुम अपने भाई ले अपने दिले के माफ ना करा ते मेरे स्वर्गीय बापू तुम मांझी के सब स्थिति एणो ही करा। मोते पाठ 18 21 के 35 बाइबल एक कहानी।